आपको कोई पेस्टिसाइड नहीं डालना है, फिर भी आपका पौधा स्वस्थ मस्त दुरुस्त रहेगा, फल और सब्जी है बढ़िया रहेगी। लेकिन शिकायत क्या आती है, पत्ते सफेद हो गए, पीले हो गए, देखिए चिपकता है बिल्कुल। हर तरह की फल सब्जियों के साथ साथ फूलों के पौधों को भी बिना किसी पेस्टिसाइड के कीट से बचाने के लिए इस स्टिकी पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहती है टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे, और नित नई जानकारी होती है कि कैसे हम कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जी उगा सकें और ऑर्गेनिक उगा सकें। क्योंकि दोस्तों देखिए, आजकल जगह तो जो है, ज़मीन की बात करें तो 10% लोगों के पास ही है, बाकी के जो 90% है विदाउट ज़मीन है। कोई फ्लैट्स में रहता है, किसी के पास अपनी छत है, किसी के पास छोटी बालकनी है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप अपनी बालकनीज में अपने छत के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियाँ उगा के खा सके। लेकिन हैरानी होती है कई लोगों को, फल क्या छत पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, जैसे कि मेरी वीडियोस में देखते हैं। तो आज देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि फल सब्जी हम सभी लगाते हैं, लेकिन शिकायत क्या आती है, कहते हैं कि पत्ते सफ़ेद हो गए, पीले हो गए। अब ये देखिए, इसमें कुछ स्पॉट्स आ रहे हैं, वाइट स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं जब हिलाता हूँ इनको तो कुछ छोटी छोटी मक्खियाँ जो हैं इसमें से निकलती हैं, देख रहे होंगे आप, छोटी छोटी मक्खियाँ जो है उड़ती हैं इसके बीच में से। तो वो क्या होता, बहुत सूक्ष्म होती हैं, कई बार हमें दिखाई भी नहीं देता और हम कहते हैं कि जी कुछ भी नहीं है, फिर भी जो है ना पौधा ख़राब हो रहा है, हमने ये खाद भी डाला, ये भी किया, पानी भी डालते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो मक्खी होती है छोटी छोटी, देखने में बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, लेकिन ये जो हरा पत्ता है ये क्लोरोफिल भरा हुआ है, जो फोटोसिंथेसिस करके और प्लांट को एनर्जी देता है, यानी कि फूड देता है। वो क्या होता है, इस तरह से देखिए वाइट स्पॉट बना करके, और इसको ये चूस लेती हैं इसका रस, यानी कि क्लोरोफिल चूस लेती हैं, जो कि बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है। तो क्लोरोफिल चूस लेती हैं, पौधा हमारा टाइप हो जाता है। अब हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो हम दवाई से परहेज करते हैं। बहुत लोग हैं जो बिल्कुल ही परहेज करते हैं, कह रहे हैं जी कुछ भी हो जाए हम तो डालेंगे नहीं। तो दोस्तों इसी सीरीज़ में मैं आपको एक ऐसी चीज़ लेकर के आया हूँ, आपको कोई पेस्टिसाइड नहीं डालना है अपने पौधों पर, फिर भी आपका पौधा स्वस्थ मस्त दुरुस्त रहेगा और आपका जो फल और सब्जी है वो बढ़िया रहेगी। खासकर जो वाइट फ्लाइज हैं, जितनी छोटी फ्लाइज हैं जो नुकसान करती हैं, रस चूसने वाली, रस मेनली चूस लेते हैं, तो फल को मिलता नहीं है, पौधे को जो फ्रूट बनता है, फूल बनता है, उसको रस ना मिलेगा तो वो ड्रॉप हो जाता है। तो उसके लिए ही मैं लेकर के आया हूँ, और बिल्कुल ही केमिकल फ्री है। तो ये देखिए स्टिकी पैड बोलते हैं इसको, बोलते हैं दोस्तों स्टिकी पैड। ये है स्टिकी पैड, आपको सफ़ेद दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअल में सफ़ेद नहीं दिखाई देगा। आखिर स्टिकी पैड होता क्या है, मैं ये कंफर्म कर देता हूँ, उससे पहले आपको दिखा दूँ कि ये स्टिकी पैड क्यों बोलते हैं। और ये देखिए, ये इसका गोंद लगा हुआ पार्ट है, यहाँ रखेंगे तो देखिए चिपकता है बिल्कुल। तो ये स्टिकी पैड है, इस तरह से इसको हम खोल लिया करते हैं, और ये दोनों साइड होती है, बोथ साइड ओपन होती है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारी जो बांधने की तार है ये लेंगे हम इसमें, और ये देखिए ये हम अपने बागीचे में जहाँ भी फल सब्जी आपकी लगी है वहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, टांग देते होते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, ये हमने निकाल दिया इसका। अब ये हमारा पैड जो है तैयार है, अब ये बिल्कुल चिपक रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इस होल के अंदर, ये होल दिया हुआ है, इसके अंदर हमने ऐसे बांध देना है इसको। कोई भी धागा, सुतली, किसी भी चीज़ से आप बांध सकते हैं, हमने इसके साथ आने वाली तार से बांधा है। जो ये देखिए, अब क्या है, इस स्टिकी पैड को हम ऐसे यहाँ से कटा हुआ है, चाहे तो पूरा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग जगहों पर लगाएंगे तो ज़्यादा जो है इसके अंदर ट्रैप होंगी हमारी वाइट फ्लाइज। अब ये लगा दिया, दोनों साइड से हैं। अभी कोई चीज़ देखेंगे आप, फट से चिपक जाएगा। ये देखिए, इसके अंदर जो छोटे छोटे थे ये कन चिपक गए, तो ऐसा होगा, बहुत चिपकने वाला है, किसी पत्ते के साथ भी चिपक जाइए। ऐसा आपने बागीचे में अपने लगा देना है इस तरह से। ये इस तरह से लगा देना है, और आप सोचते होंगे कि पीला पट्टी क्यों है। पीला पट्टी दोस्तों इसलिए है ये कि ये जो पीला कलर होता है, जैसे कि तो पीला कलर इनको, मक्खियों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, जहाँ पीली चीज़ है वहीं पर पहुँचते हैं ये। तो जैसे जाएंगे इसके ऊपर बैठेंगे, वो वहीं बैठे रह जाएंगे। ऐसे में क्या होगा
कि जो पीला कलर है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो यहाँ आएंगे और इस स्टिकी पैड में चिपकते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आता है कि ये पूरा स्टिकी पैड छोटे छोटे कीड़ों से भर जाता है, मतलब चिपक के भर जाता है। ये खासकर जो है पॉली हाउस वाले या नेट हाउस वाले हैं वो लोग भी इसको काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, जो ऑर्गेनिक का काम करते हैं, जिनको पेस्टिसाइड से परहेज है, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना है। जैसे देख रहे हैं आप पेस्टिसाइड से कितनी सारी बीमारियां आ रही हैं। तो ये जो स्टिकी पैड है, येलो स्टिकी पैड, ये बहुत बढ़िया हमारे जो रस चूसक कीड़े हैं उनको कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा मीडियम है। अपने बागीचे में ये 4-5 टांग दें। ये जैसे कि मैंने इतना दिखाया, आप पूरा का पूरा भी टांग सकते हैं, लंबी स्टिकी पैड इतनी हो जाएगी, उसको टांग सकते हैं। और उससे क्या होगा आपका कि ये जो कीड़े हैं ये कीड़े बिल्कुल आपके इसमें चिपक जाएंगे, बिना किसी दवाई का आपका पौधा हरा भरा बिल्कुल रहेगा। तो आप ये देखिए, इस तरह से कीड़े आने चिपकने शुरू हो गए। ये देखिए जैसे आएगा ये चिपक जाएगा, तो अट्रैक्ट होने में समय नहीं लगता, धूप का समय हो तो और जल्दी होता है ये। और इस तरह से देखिए, देखिए कीड़े हैं और कैसे कीड़े इसमें अट्रैक्ट होकर चिपक जाते हैं। आप दिखाता हूँ मैं आपको, एक बार यहाँ से उतारता हूँ और देखेंगे कीड़े कैसे चिपकेंगे इसके अंदर। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कीड़े कैसे चिपक गया है, ये बिल्कुल चिपक गया। अब इसके अंदर से ये हट नहीं सकता, देखिए कोशिश काफ़ी कर रहा है ये। पास करके दिखाओ, जितना है उसमें हाथ पैर मारेगा उतना ये चिपकता चला जाएगा। तो इस तरह से जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उसका खात्मा आपका बिना किसी मेडिसिन के हो जाता है, और आपका बगीचा जो है हरा भरा रहता है, आपके पौधे जो आपको जान से प्यारे होते हैं वो बिल्कुल हरे भरे रहेंगे। तो इस स्टिकी पैड का इस्तेमाल करके दोस्तों बिना किसी दवाई के अपने बगीचे से कीड़ों को आप दूर रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। अब ये देखिए गुलाब हैं, गुलाब कितने सुंदर कलरफुल गुलाब इस टाइम खिल रहे हैं। इस अप्रैल एंड का समय चल रहा है जबकि गर्मी इतनी तेज है, तभी इतने गुलाब चल रहे हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, गुलाब में बीमारियां बहुत आती हैं, उनके पत्तों के कई बार लीफ कटर लगता है, कई बार जो स्पाइडर माइट की दिक्कत आती है, कई बार एफिड्स की दिक्कत आती है। तो ऐसे दिक्कतों को हम बार बार दवाई छिड़क के तंग रहते हैं। तो यहाँ भी हम वही जो आपको देखा आपने, ये येलो स्टिकी पैड, इसको येलो स्टिकी पैड बोलते हैं, इस येलो स्टिकी पैड को हम यहाँ भी बांध रहे हैं। आप देखिएगा ध्यान से और कैसे बांध रहे हैं, ये देखिए। तो बड़ा सिंपल सा मेथड होता है इस येलो स्टिकी पैड का। इसका हमने उतार दिया जैसे उतारा था, और ये देखिए बिल्कुल चिपक रहा है हाथ को भी, थोड़ा ध्यान देना है। और ये देखिए ये होल है, इस होल के अंदर हम ये जो इसकी रस्सी है इसके पाएंगे। ऐसे कोई धागा, कोई रस्सी, कुछ भी इस्तेमाल इसकी जगह आप कर सकते हैं। तो इस गुलाब को बचाने के लिए, जो कि इतने खूबसूरत फूल, देखिए क्या गुथा हुआ फूल आ रहा है, अलग अलग कलर में देखेंगे। ये देखिए ये कलर जो है देखते अलग बनता है, ये डबल डिलाइट की बात करें तो ये बात है। और देखिए इसमें, इसको टाइगर रोज़ या आवरा का डावरा बोलते हैं, इसका कलर भी आप देख सकते हैं। ये देखेंगे कितना बढ़िया कलर निकल के आ रहा है। ये देखिए एक ही फूल के अंदर कई कई कलर। तो इस तरह की फूलों की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए कीड़ों से बचाना जरूरी होता है, लेकिन दवाई कहाँ तक छिड़कें दोस्तों। कई बार क्या होता है कि जो हम पेस्टिसाइड छिड़कते हैं उसका इफेक्ट हमारे पे तो पड़ता ही पड़ता है, हालांकि खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन इन फूलों के कलर के ऊपर पड़ जाता है। कई बार दवाई स्ट्रांग होती है तो पत्ते भी जलते हैं। तो ऐसे में बच्चे अगर घर में हैं तो वो भी छूते हैं इसको, तो उनके लिए नुकसानदेह। तो उन सब से बचाव के लिए यही स्टिकी पैड, जो येलो स्टिकी पैड है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये देखेंगे कि ये देखिए कुछ ना कुछ कीड़ा जो घूमता रहेगा और ये चिपक जाएगा इसके अंदर से, जब भी उड़ता है तो यहाँ पे आएगा और चिपकेगा। क्यों चिपकेगा? क्योंकि येलो कलर जो है ये पेस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। आपने मोस्टली सब्जियों के फूल देखे होंगे, वो पीले फूल होते हैं, तो वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। तो इस तरह से ये कीड़े जो है अट्रैक्ट हो करके इसमें फंसेंगे और आपका गुलाब जो है सेफ रहेगा। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल आप हर तरह की फल सब्जियों के साथ साथ फूलों के पौधों को भी कीट से बचाने के लिए, मतलब बिना किसी पेस्टिसाइड के कीट से बचाने के लिए इस स्टिकी पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह पर कर सकते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है।
स्टिकी पैड के नाम से नहीं मिलता है तो आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।